स्टूडेंट, होप यू ऑल आर वेल। क्लास टू सब्जेक्ट SST। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट चैप्टर 5, योर होम माई होम, तुम्हारा घर और मेरा घर। वाट आर दीज रूम्स कॉल्ड, हम इस पिक्चर में दिए गए घर को क्या कहते हैं। राइट द मिसिंग लेटर्स, उसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, उसके स्पेलिंग को हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट पिक्चर इज बेडरूम। फर्स्ट पिक्चर किसका है? बेडरूम का है, तो BED बेड, ROOM रूम, बेडरूम। सेकेंड पिक्चर इज बाथरूम। सेकेंड पिक्चर किसका है? बाथरूम का है, तो बाथरूम का स्पेलिंग क्या होता है? BATH बाथ, ROOM रूम, बाथरूम। थर्ड पिक्चर इज किचन। थर्ड पिक्चर किसका है? किचन का है, स्पेलिंग ऑफ किचन KITCHEN किचन। फोर्थ पिक्चर इज लार्जर रूम, स्पेलिंग ऑफ लार्जर रूम LARGER लार्जर, ROOM रूम, लार्जर रूम। ए हाउस कीप अस सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल्स। एक घर जो हमें सुरक्षित रखता है हीट, गर्मी से, कोल्ड, ठंडा से, रेन, बारिश से, एंड वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जानवर से। हमें घर किन किन चीज़ों से सुरक्षित रखता है? सर्दी, गर्मी, बरसात और जंगली जानवरों से। लॉन्ग एगो पीपुल लिव्ड इन ए कैब्स, आदि मानव लोग जिनके पास घर नहीं था तो वो लोग कहाँ रहते थे? केव्स, गुफाओं में रहते थे। लेटर दे लर्न टू बिल्ड हाउस, समय बीतते के साथ वो घर बनाना भी सीख गए। दे यूज्ड मड, स्टोन्स एंड स्ट्रॉ टू बिल्ड देयर हाउसेज। वे किन किन चीज़ों से अपना घर बनाते थे? मड, मिट्टी से, स्टोन, पत्थर से, एंड स्ट्रॉ, और घास फूस से अपना घर बनाने लगे। वाट आर हाउसेज मेड ऑफ, अब है घर किन चीज़ों से बनता है? सम हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रो, कुछ घर जो होता है वो मिट्टी और घास फूस से बनता है। सच हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज, वैसे घर को हम कौन सा घर बोलते हैं? कच्चा हाउस बोलते हैं। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। सम हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, वुड एंड सीमेंट, और कुछ घर जो होते हैं वो ब्रिक्स, ईंट से, वुड, लकड़ी, एंड सीमेंट, सीमेंट से बनते हैं। सच हाउसेस आर कॉल्ड पक्का हाउस, वैसे घर को हम लोग कौन सा घर बोलते हैं? पक्का हाउस बोलते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। पिक्चर इज कच्चा हाउस एंड सेकेंड पिक्चर इज पक्का हाउस। टाइप्स ऑफ रूप्स, अब छत के प्रकार। इन हॉट प्लेसेज हाउसेज है फ्लैट रूप्स, गर्म जगहों पर जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पे फ्लैट रूप्स सरफेस होते हैं, समतल छत बना होता है। इन प्लेसेज वेयर इट रेन्स और स्नो हैवली हाउसेज हैव स्लोपिंग रूप्स, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है और बर्फबारी होती है, वैसे जगह पर स्लोपिंग रूप्स बनाए जाते हैं। कैन यू गेस वाई, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि उससे आसानी से बारिश का पानी और बर्फ नीचे गिर सकता है। काइंड्स ऑफ हाउसेज, अब है घर के प्रकार। दिस इज ए हट, यह एक झोपड़ी है। दिस इज ए हट, यह एक झोपड़ी है। मोस्ट हट्स हैव वन रूम, अधिकतर झोपड़ी में एक ही कमरा होता है। दिस इज ए बंगलोज, यह एक बंगला है। इट हैज़ मैनी रूम्स, इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं। सम बंगलोज हैव ए गार्डन, और कुछ बंगला में बगीचे भी लगे होते हैं। पिक्चर इज बंगलोज। दिस इज ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, एक कहानी का घर जिसे हम बोलते हैं। देयर आर मैनी फ्लोर्स इन ईच फ्लोर, इस हर फ्लोर पर बहुत सारे घर होते हैं। हैज मैनी फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट, जिसे हम फ्लैट और अपार्टमेंट भी कहते हैं। पिक्चर इज ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ए हाउस ऑन स्टिल्स, अब ऊंचाई पे बने हुए घर। दिस इज ए हाउस ऑन स्टिल्ट, जो एक ऊंचाई पर बना होता है घर, और ये मुख्य रूप से चदरे और मिट्टी के खपड़े से बने होते हैं। इट इज बिल्ट इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स ए लॉट, ऐसे जगहों पर ऐसा घर पाया जाता है जहाँ पर अधिक मात्रा में बारिश होती है।
हाउसेज ऑन स्टिल्ट्स हैव स्लोपिंग रूफ्स, और स्टिल्ट्स हाउस में स्लोपिंग रूफ्स होता है जिससे आसानी से पानी नीचे गिर सकता है। सम स्पेशल हाउस, एक विशेष प्रकार के घर। फर्स्ट पिक्चर इज दिस इज ए हाउस बोट, ये कौन सा घर है? हाउस बोट, जो नाव पे घर बने होते हैं। इट इज ए फ्लोटिंग हाउस, जो पानी में तैर सकता है। वुड यू लाइक टू लिव इन ए हाउस बोट, क्या तुम हाउस बोट पे रहना पसंद करोगे? सेकेंड पिक्चर इज ए दिस इज ए कारावैन, इट हैज व्हील्स, ये कारावैन है जिस घर में पहिए लगे होते हैं। ए कारावैन कैन बी ड्राइव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसे हम चला करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। थर्ड पिक्चर इज टेंट, दिस इज ए टेंट, यह एक टेंट तंबू है। इट इज मेड ऑफ कैनवास और प्लास्टिक, ये मोटे कपड़े और प्लास्टिक से बने होते हैं। दिस इज मेड ऑफ कैनवास और प्लास्टिक। फोर्थ पिक्चर इज इग्लू, दिस इज एन इग्लू, यह एक इग्लू है। इट इज मेड ऑफ आइस, और यह बर्फ से बना है। दिस इज फाउंड इन आइस प्लेसेस, यह बर्फीले जगह पर ऐसे घर पाए जाते हैं। दैट्स ऑल।